नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल सुपर अपडेट्स में। दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे मिस्टर एंड मिसेस खिलाड़ी यस बॉस फिल्म के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। सबसे पहले जानते हैं मिस्टर एंड मिसेस खिलाड़ी फिल्म के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। मिस्टर एंड मिसेस खिलाड़ी सन 1997 में आई एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म थी। इस फिल्म में अक्षय कुमार, जूही चावला, परेश रावल, कादर खान, हिमानी शिवपुरी, जॉनी लीवर, प्राची और सतीश कौशिक नजर आए थे। इस फिल्म को डेविड धवन ने डायरेक्ट किया था और इसे प्रोड्यूस किया था केशु रामसे ने, और इस फिल्म की कहानी रूमी जाफरी ने लिखी थी। इस फिल्म को 190 स्क्रीन्स के साथ 10 अक्टूबर सन 1997 में रिलीज किया गया था। अगर बात करें बजट की तो इस फिल्म का बजट 5 करोड़ 20 लाख था और इस फिल्म ने इंडिया में 10 करोड़ का कलेक्शन किया था। आपको बता दूं कि इस फिल्म ने अपने पहले दिन में 62 लाख का कलेक्शन किया था तो अपने पहले हफ्ते में 3 करोड़ 37 लाख का कलेक्शन किया था। वहीं अगर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म ने 17 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया था और ये फिल्म हिट साबित हुई थी। अगर बात करें इस फिल्म के IMDb रेटिंग की तो इस फिल्म को 6.4 रेटिंग मिले और ये फिल्म उस साल की 16वीं हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म रही थी। वहीं बात करें म्यूजिक की तो इस फिल्म के लिए म्यूजिक अनु मलिक ने दिए थे और इसके लिरिक्स देव कोहली ने लिखे थे। इस फिल्म में कुल 7 गाने थे और इस फिल्म के 3 गाने सबसे ज्यादा हिट रहे थे, एक अकेला है मिस्टर खिलाड़ी, दूसरा जरा पर्दे पे आने दे और तीसरा जब तक रहेगा समोसे में आलू। ये तीनों गाने उस समय बहुत ज्यादा पॉपुलर हुए थे। तो चलिए फिल्म से जुड़े कुछ फैक्ट्स के बारे में जानते हैं। नंबर 1, जूही चावला से पहले उनका रोल ममता कुलकर्णी को ऑफर हुआ था पर उन्होंने फिल्म में काम करने से मना कर दिया था। नंबर 2, ये फिल्म अक्षय कुमार की डेविड धवन के साथ में पहली फिल्म थी। नंबर 3, मिस्टर एंड मिसेस खिलाड़ी डेविड धवन की फिल्म दीवाना मस्ताना के साथ क्लैश हुई थी। अब जानते हैं यस बॉस फिल्म के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। यस बॉस सन 1997 में आई एक म्यूजिकल रोमांटिक कॉमेडी फिल्म थी। इस फिल्म में शाहरुख खान, जूही चावला, आदित्य पंचोली, कश्मीरा शाह, अशोक शरफ, गुलशन ग्रोवर, रीमा लागू और जॉनी लीवर नजर आए थे। इस फिल्म को अजीज मिर्जा ने डायरेक्ट किया था और इसकी कहानी भी उन्होंने ही लिखी थी, और इस फिल्म को रतन जैन, उमेद जैन और चंपक जैन ने प्रोड्यूस किया था। इस फिल्म को 180 स्क्रीन्स के साथ 18 जुलाई सन 1997 में रिलीज किया गया था। दोस्तों आपको बता दूं कि इस फिल्म का बजट 5 करोड़ था और इस फिल्म ने इंडिया में 11 करोड़ 40 लाख का कलेक्शन किया था। आपको बता दूं कि इस फिल्म ने अपने पहले दिन में 54 लाख का कलेक्शन किया था तो अपने पहले हफ्ते में 3 करोड़ 32 लाख का कलेक्शन किया था। वहीं अगर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म ने 23 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया था और ये फिल्म हिट साबित हुई थी। अगर बात करें इस फिल्म के IMDb रेटिंग की तो इस फिल्म को 6.8 रेटिंग मिले और ये फिल्म उस साल की 13वीं हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म रही थी। वहीं बात करें म्यूजिक की तो इस फिल्म के म्यूजिक जतिन ललित ने दिए थे और इसके लिरिक्स जावेद अख्तर ने लिखे थे। इस फिल्म में कुल 6 गाने थे और सभी गाने हिट रहे थे। इस फिल्म के सबसे ज्यादा गाने अभिजीत भट्टाचार्य ने गाए थे। वहीं बात करें अवार्ड्स की तो इस फिल्म के लिए अभिजीत भट्टाचार्य को मैं कोई ऐसा गीत गाँव वाले गाने के लिए बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर का फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। तो चलिए फिल्म से जुड़े कुछ फैक्ट्स के बारे में जानते हैं। नंबर 1, इस फिल्म का टाइटल पहले मोहब्बत इसको कहते हैं रखा गया था पर बाद में बदल कर यस बॉस कर दिया गया था। नंबर 2, ये फिल्म सन 1993 में आई हॉलीवुड फिल्म फॉर लव और मनी की हिंदी रीमेक थी। नंबर 3, ये फिल्म कश्मीरा शाह की बॉलीवुड में डेब्यू फिल्म थी। तो दोस्तों इन दोनों फिल्मों में से आपको कौन सी फिल्म ज्यादा पसंद आई थी और आप इन दोनों फिल्मों को 5 में से कितनी रेटिंग देना चाहोगे हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और ऐसी बॉक्स ऑफिस के कलेक्शन और फैक्ट्स वाली वीडियो चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए ताकि हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें।